अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश पाश होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और फ़िलहाल हो रही हैं समर क्लासेस और यहाँ पर बच्चे जो हैं पेंटिंग, ड्राइंग और स्केचेस बना रहे हैं। और मैं जो है अब क्या कर रही हूँ, अब जो है ये सारा बखेरा करके जो गए हैं बच्चे वो सब समेटूँगी। आप देख सकते हैं मेरे घर की हालत ऐसी हो जाती है, रोज़ाना की ये बात है। रोज़ाना जो है बच्चे ऐसा कोई कुछ छोड़ के चला जाता है, कोई किताबें छोड़ के चला जाता है, कोई कॉपियां छोड़ के चला जाता है, तो फिर उनके जाने के बाद ये सब समेटना होता है, झाड़ू वगैरह लगानी होती है, तो वो करूँगी। फिर ये समेटते समेटते गेस्ट आ गए थे, उनको देखना था, लेकिन उसकी मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की क्योंकि मुझे जो है आज इंगेजमेंट का व्लॉग देना था आपको। मैंने थोड़ा सा छोटा सा कोई व्लॉग बनाया है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ साथ ये सारी चीज़ें भी उठा लेते हैं क्योंकि बच्चे जो हैं, फिर कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो दूसरे दिन मांगते हैं चीज़ें, अगर इधर उधर हो जाती हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे हैं ना बिल्कुल लापरवाह हैं आजकल, चीज़ें छोड़ के जाते हैं, फिर दूसरे दिन अगर मैं देती भी हूँ ना तो वो कहते हैं ये मेरी है ही नहीं, ये तो मेरी है ही नहीं, ये तो मेरे पास थी ही नहीं, मेरे पास तो दूसरी होती है। इस तरह से बातें करते हैं, वो अपनी चीज़ को ओन ही नहीं करते। आप देख सकते हैं कितनी रेज़र्स, कितने पेंसिल्स और कितनी सारी चीज़ें मुझे मिली हैं, कॉपीज़, ये सब चीज़ें छोड़ के जाते हैं। रोज़ का ये मामूल है बच्चों का, रोज़ाना कुछ ना कुछ उठाना होता है, रोज़ाना कुछ ना कुछ उठा के इस जगह पे रखना। ये देखें, एक तो कलर बॉक्स छोड़ के चला गया है बच्चा। थर्सडे की पूरी नाइट जागे थे, फिर फ्राइडे को जो है पूरा दिन बिज़ी था इंगेजमेंट में तैयार होना, बच्चों को तैयार करना, तो इतनी ज़्यादा थक गई थी। तो मैं तो आज जो है पूरा दिन जो है रेस्ट किया है, कोई ज़्यादा काम नहीं किया। इंगेजमेंट का व्लॉग देखिए, आपको हो सकता है मज़ा आए, आपको अच्छा लगे। ये देखें, ज़ैनब तो तैयार हो गई थी, ज़ैनब को तैयार कर दिया था, हारिस भी रेडी था, शायान भी रेडी हो गया था, लेकिन शायान अपने दोस्तों में इतना मसरूफ़ था कि वो व्लॉग में आया ही नहीं। और ये देखें इसको, अब हम लोगों की यहाँ से ये एंट्री हो रही थी, अब यहाँ से जो है इंगेजमेंट का व्लॉग स्टार्ट होता है। व्हाट्सएप पर कर रहा है, कोई चैनल पे कर रहा है, कोई पुरानी वीडियोस पे कर रहा है इंगेजमेंट का व्लॉग दें, इंगेजमेंट का व्लॉग दें। लेकिन इन ऐसे जो व्लॉग्स होते हैं ना उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये था स्टेज, एक साइड पे जेंट्स बैठे हुए, एक साइड पे लेडीज़। अब हम कर रहे हैं दुल्हन और जो मंगनी के दूल्हा दुल्हन है उनका इस्तकबाल। सारी गर्ल्स खड़ी हुई हैं लाइन से, प्लेटें फूल की ली हुई हैं हाथों में। कोशिश तो यही थी अच्छा सा इस्तकबाल हो, माशाल्लाह बहुत अच्छा सा इस्तकबाल हुआ था, बहुत अच्छे से अरेंज किया था सब कुछ। और आप देख सकते हैं सामने सारे, अच्छा ये जो फंक्शन था ना मेरी खाला यानी लड़के वालों की तरफ से था, जो ब्राइड थी ना वो आई थी अपने ससुराल, उसके लिए ये सारा अरेंजमेंट हुआ था। तो आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, आपको लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए तो, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुल्हा और दुल्हन की एंट्री हो रही है, वो चॉइस इतनी अच्छी है, शायद हो सकता है मेरी खाला की ही चॉइस हो। मुझे ये जो शरारा है ना बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मेरी खाला ने जो चूज़ किया है। आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो ग्रूम है और जो ब्राइड है उनकी जो सूटिंग्स हैं वो कैसी लग रही हैं, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं बहुत ज़्यादा गाने नहीं लगा सकती हूँ वरना कॉपीराइट आ जाएगा, सिर्फ 15 सेकेंड का ही लगा सकती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे, दूल्हे की दोनों बहनें भी बहुत प्यारी लग रही थी, सभी बहुत अच्छे लग रहे थे, मेरी खाला भी बहुत प्यारी लग रही थी। आप भी दुआ में याद रखिएगा, इन दोनों को दुआएं दीजिएगा, अल्लाह पाक इन दोनों की जोड़ी को सलामत रखे और बुरी नज़र से बचा कर रखे, आमीन। उम्मीद है मेरे व्यूवर्स जो है इन्जॉय कर रहे होंगे इस व्लॉग को।
अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने आप को, ये हूँ मैं, और मैंने पहना था ब्लैक और रेड। अब मिलाती हूँ अपनी मोमानी से, मेरी मोमानी है ब्लू कलर में जो है, और ये कराची से आई हैं, और जो येलो कलर में है ना ये मेरी नानी माँ। मिलवाती हूँ दोनों खाला से, ये जो नानी माँ के राइट हैंड पर है ना ये कराची से आई है मेरी खाला, जो लेफ्ट हैंड पर है ना इनके बेटे की मंगनी थी। और अब हो गया है डिनर का टाइम। तो डिनर में क्या क्या था, डिनर बहुत मज़े का था। एक तो आइटम्स थे, जैसे आइटम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ अच्छी होती है कोई चीज़ अच्छी नहीं होती, लेकिन माशाल्लाह से हर चीज़ इतनी ज़बरदस्त बनी हुई थी। ये टिक्के थे, मटन कढ़ाई थी, और फिश फिंगर फिश थे, सलाद था, बिरयानी थी, ये वाइट बिरयानी थी, और मीठा भी था। मीठे में क्या था, मीठे में थी दूध दुलारी शायद, अब मैंने खा तो लिया, मुझे नाम नहीं पता है था क्या वो, बस खा लिया ऐसे, पता कुछ नहीं होता हम खा लेते हैं बस। और सलाद था जो हर दावत की शान है, रायता होता है, नान वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें थी और हमने खाना इंजॉय किया है। और अब जो है हो गया है वक्त इख्तिताम का, तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।